जाफर गिल है, मैं पंजाब कानेवाल शहर रेलवे कॉलोनी का रहने वाला हूँ। 1998 में मैं यहाँ कराची में आया, तो थोड़ी बहुत ही मुझे ड्राइविंग आती थी। मैंने एक फादर से बात की, सिस्टर ने भी थोड़ी सिफारिश की, तो उन्होंने मुझे डॉन बॉस्को जहाँ ये कफन बॉक्स बनते हैं वहाँ गाड़ी चलाने के लिए लगा दिया। तो वहाँ मैं गाड़ी चलाता था, तो वहाँ के जो लोग थे वो बॉक्स बनाते थे, तो मैं उनको देखता रहता था कि कैसे बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं काम सीख गया। ये एक बॉक्स तकरीबन 3-3.5 घंटे ले लेता है, लेकिन मेरे काम की स्पीड इतनी है, क्योंकि मुझे ये 11 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये 1.5 घंटे में बना देता हूँ। दिन में मैं 3-4 बना देता हूँ अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास 3 जनाजे होते हैं, तो मुझे इमरजेंसी में बक्स भी बनाना होता है, गाड़ी भी साफ़ करनी होती है, उन गाड़ी को लेके भी जाना होता है दूर, जहाँ से मोचरी में मैयत पड़ी होती है वहाँ से लेना है, वहाँ से कलेक्ट करना है, घर पे लेके जाना है, चर्च लेके जाना है। दुख तो जी हर एक की डेथ पे होता है, और ख़ासकर जब कोई बच्चों का मसला आ जाता है तो उस वक्त ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बक्स बनाते वक्त भी दिल भर आता है। जब हम चर्च में हमें घर नहीं दिया था, तो मैं नाइट ड्यूटी करता था, मेरी वेल सिस्टम का अधारा है वहाँ, तो वहाँ से मुझे 7,000 मिल जाते थे, तो 8,000 मुझे यहाँ से मिल जाता था, जिससे हम 5,000 वहाँ घर का किराया देते थे और बाकी हमारा खर्चा पूरा हो जाता था। लेकिन जब चर्च ने ये हमें घर दिया, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि आप कहीं बाहर काम नहीं करोगे, आप 24 आवर यहीं काम करोगे। इस तरीके से बड़ी स्ट्रगल करके हमने अपनी लाइफ को यहाँ तक पहुँचाया हुआ है।